हेलो 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 क्या हेलो आपको मेरी आवाज़ आ रही है? स्वप्निल असली आईडी से असली आईडी से मतलब समझा नहीं होगा। अच्छा, मेरा भाई था वो, उसको। अभी अगर मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है तो प्लीज़ एक बार मेरे को मैसेज पे बता देना। बाय साइड जाएगा क्या? हाँ, वही हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या सिनेरियो हो सकता है अबाउट द गोल्ड। काफ़ी पतला हो चुका हूँ मैं, यू कैन सी। अभी जिम स्टार्ट करूँगा मंडे से, देन आई विल बी बैक। आपको फ़र्क समझ तो आता ही रहेगा कि बहुत पतला हो गया हो। बट मेरे को फर्स्टली एक चीज़ बताना ऑनेस्टली, कि अगर मेरे को आवाज़, स्क्रीन, सबकी सब कुछ अगर बराबर है तो मैं आई कैन स्टार्ट विद द लेक्चर। लेक्चर मतलब जो भी अपना सेशन है। ठीक है, क्लियर वॉइस? चलो, अभी अभी किसी को अगर फिर भी प्रॉब्लम रहेगा ना, डू वन थिंग, क्या आप रिफ्रेश करना या फिर एग्जिट करके आप ये करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू एवरीवन? बहुत लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। हैक सावंत, आप, आई नो यू, हैक सावंत, वैभव, दर्शन कोठारी, निखिल, नाकेश, तो काफ़ी लोग ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हम लोग फेस कैमरा राइट में करो, राइट में करूँ, राइट मतलब मेरा राइट, इस साइड करूँ। फेस कैमरा का क्या संबंध? अच्छा, राइट में करूँ, ऐसा क्यों? यहाँ पे तो अपना जो भी है वो यहाँ पे है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? सो फर्स्टली विल टॉक अबाउट द रेंज, कि मार्केट में रेंज कौन सा है एंड एवरीथिंग। तो जितना मैं जानता हूँ मार्केट को, मार्केट रेंज में ट्रेड नहीं करना चाहिए। और आप लोग को भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वी शुडेंट एंटर द ट्रेड व्हेन इट्स रेंजिंग। अभी रेंज का क्या होता है? अभी दिस इज द मार्केट जो हम लोग देख रहे हैं कि मार्केट रेंज कर रहा है। सो ये कैंडल्स 22 आवर्स से 42 बार्स, दैट इज 42 कैंडल्स से रेंज कर रहा है। मतलब एक ऑलमोस्ट एक पूरे दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये कंसोलिडेशन ब्रेक करता है, डेफिनेटली विल गेट अ वेरी गुड रिजल्ट। अब ये कितना परसेंट है हम लोग को देखना है। चलो, 42 बार सो हो गया, कितना परसेंट है वी हैव टू सी। किधर है अपना परसेंटेज? हाँ, मतलब ये 5 पिप्स में, मतलब जो हम लोग इंडियन इंडियन को फॉरेक्स में हम लोग पिप्स बोलते हैं, तो 50 पिप्स में वो रेंज कर रहा है। तो 50 पिप्स एंड 22 आवर्स से वो रेंज कर रहा है। अगर वो ब्रेकआउट दिया तो हम लोग को अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल सकता है। बट जितना भी मैं आपको बता दूँ, वी शुडेंट ट्रेड द रेंज। अभी ये रेंज हो गया ऑन 30 मिनट्स, करेक्ट? ये 30 मिनट्स का रेंज हो, इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे ताकि मैं बाद में मेरे को फिर से ड्रॉ नहीं करना है। सो कौन सा रेंज है? नो ट्रेडिंग जोन 1933 टू 1939, और नो ट्रेडिंग जोन लिख रहा है बराबर कि नहीं लिख रहा है? सॉरी, मैं ऐप्स में लिखना भूल गया। नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है, रेंज 1933 टू 1938, करेक्ट? तो दिस इज़ द रेंज जो आपको सबको ऑब्वियसली पता है। अभी व्हाट आर द रेजिस्टेंस एंड द सपोर्ट? अभी मैंने रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मैंने मार्क किया है। तो बाइज अबाव क्या रहेगा? कहाँ पे गया टेक्स्ट? हाँ, बाइज अबाव 1939, करेक्ट? तो मैं ये यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ। एंड सेल बिलो क्या रहेगा? 1933, सेल बिलो 1933। अभी जितने लोग मेरे को पहले से जानते हैं, जितने भी लोग मेरे को पहले से जानते हैं, उनको पता है कि नो ट्रेडिंग जोन पे स्कैल्पिंग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, वही मैं आपको बता रहा हूँ। सो जितने भी लोग मेरे को पहले से जानते हैं, उनको मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि इवन इफ आपको दिख रहा है कि आज मैंने निकाला प्रॉफिट, ऐसा नहीं होता है। अगर इफ़ यू नो अबाउट द मार्केट, आप कभी भी रेंज को ट्रेड नहीं कर सकते।
और रेंज को ब्रेक करने के बाद आपका, मैं आपको ये फ़ायदा बताता हूँ कि इफ़ रेंज चालू है, अभी मैं ओवरऑल सिनारो भी बताऊंगा कि मार्केट किस तरफ ब्रेक करेगा एंड ऑल, अब मैं यहाँ पे बाय कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, ऑल दैट आई विल टेल यू। बट थोड़ा सा एजुकेशन ले लो इस चीज़ को लेके, क्योंकि क्या होता है मालूम है, अगर आप रेंज को ट्रेड करोगे आपका स्टॉप लॉस हंटिंग ईजीली होता है, प्लस आपको पूरा, अभी देखो 22 घंटा आपको एक ट्रेड के लिए वेट करना पड़ेगा। एज सून एज जब मार्केट ब्रेक करेगा, समझो इस चीज़ को, एज सून एज मार्केट विल ब्रेक द रेंज, मैं डेफिनेटली एंटर करूंगा, लेकिन इट विल बी अ वेरी क्विक ट्रेड। क्विक ट्रेड का मतलब क्या होता है कि मैंने अभी एंटर किया और आधे घंटे में एग्जिट, या फिर 15 मिनट्स में एग्जिट, तो मैं वैसे ट्रेड करता हूँ। आप लोग को भी मैं सजेस्ट करूंगा, सेल बिलो 1935 कैंडल क्लोजेस, इंडियन एक्सप्रेस यू आर द बेस्ट, आपने बेस्ट तरकीब दिया, बराबर है। सर NASDAQ 100 का भी थोड़ा बताना, नहीं ओनली गोल्ड, मैं यहाँ पे मैं ऐसा स्क्रिप्ट बताऊंगा और 10 लोग 10 स्क्रिप्ट लेके आएंगे, आई कांट डू इट फॉर नाउ, अभी के लिए तो मैं नहीं कर सकता, बट इसको हम लोग ऐसी ये करेंगे एंड विल गो ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रिप्ट, दूसरा स्क्रिप्ट लेंगे विच इज़ गोल्ड ओनली, लेकिन थोड़ा अलग, हम लोग ओनाडा देखेंगे जहाँ पे मेरा ड्राइंग्स नहीं रहेगा, ठीक है। सो वी हैव अ रेंज जो हम लोग ड्रॉइंग करके रखा है, ये इसका स्क्रीनशॉट भी इफ़ यू गाइज वॉन्ट, जो भी मेरे बैच में है गोल्ड में है, मैं आपको उनको भेज देता हूँ। एग्जैक्ट मेरे को तो अपवर्ड डायरेक्शन ही चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट जो उसको चाहिए मैं बता देता हूँ। सो आई विल शेयर द स्क्रीनशॉट, एक सेकेंड। ठीक है, तो सेंड हो चुका है, अभी द नेक्स्ट थिंग विल आई डू इज कि मार्केट में ओवरऑल व्यू क्या है मार्केट का एंड एवरीथिंग, उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करें। तो ओवरऑल व्यू मार्केट का ये है, विल स्टार्ट फ्रॉम वीकली एनालिसिस, ठीक है। तो किसी को कुछ डाउट रहेगा वो थोड़ा होल्ड ऑन करो, क्योंकि मैं अभी नहीं बोलूँगा आपको खोलने के लिए, मैं थोड़े टाइम के बाद आपको बोलूँगा। काफ़ी ख़राब हो गया है यार सब चीज़, अभी मेरे को साफ़ सफाई करना पड़ेगा बहुत, काफ़ी टाइम से ध्यान नहीं है मेरा सेटअप पे, ठीक है। वी हैव अ न्यू न्यूज़ एट 6 PM एंड 7, यस ठीक है। सो ये वीकली एनालिसिस है, वीकली एनालिसिस के सपोर्ट आपको क्लियरली पता है कि वीकली एनालिसिस का यहाँ पे 1802 पे सपोर्ट है, यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। दीज आर द वीकली सपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, जिसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि कुछ काम के नहीं है। अभी विल कम ऑन टू द डेली एनालिसिस, डेली एनालिसिस बहुत काम का है। आपको क्या दिखाई दे रहा है डेली एनालिसिस पे, आपको क्या दिखाई दे रहा है थोड़ा बात करते हैं। फोन एंड ऑल है, एक सेकेंड। ठीक है, सो आई कैन सी कि यहाँ पे मेरा जो ट्रेंड लाइन है, आई कैन सी कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, करेक्ट। फिर इस चीज़ को मैं थोड़ा, ये कर रहा हूँ, आई एम मार्किंग द ट्रेंड लाइन, जैसे दिख रहा है आपको, आप हर किसी को दिख रहा है वैसे मैं ट्रेंड लाइन को मार्क। तो जितना भी मार्केट अगर है बुलिश, अगर मैं इलियट वेव के बारे में बात करूँ, सी दिस इज़ द टेक्निकल टर्म्स जो मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी लोग को पता रहेगा, काफ़ी लोग को नहीं पता रहेगा, एंड ऑल दिस कैलकुलेशन भी फेल हो सकता है, ऐसा नहीं कि मैं, मेरा इतना कैलकुलेशन तो पास ही होगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, इट्स 0 1 2 3 4, एक सेकेंड। सो दिस इज़ द फोर्थ वेव, सो दिस इज इलियट वेव कैलकुलेशन, इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं हम लोग बराबर, ठीक है। ये एडजस्टमेंट है, अभी जो फोर्थ एंड फिफ्थ वेव रहता है, अच्छे से सुनो, हाँ अभी जो फोर्थ एंड फिफ्थ, सॉरी मैंने मैगनेट चालू रखा था, फोर्थ एंड फिफ्थ वेव जो है, थैंक यू सो मच अंकित, आपने मेरे को प्रॉब्लम सॉल्व किया, सुबह से देख रहा हूँ क्या हो रहा है, गलती से ऑन किया था मैंने, थैंक यू सो मच अंकित, अंकित अंकित आपके लिए मैं क्लैप करूँगा ज़रूर, एंड सेंड मी योर नंबर, मैं आपको जीपे भी करूँगा मेरे हिसाब से, क्योंकि आपने मेरा बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व किया।
ठीक है। सो मैं जीरो से स्टार्ट करूँगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो जो फोर्थ एंड फिफ्थ वेव है, इट शुड बी बिगर देन 3। तो ये मेरे हिसाब से इट शुड राइज, मतलब द फिफ्थ वेव इज येट टू कम। आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, द फिफ्थ वेव इज येट टू कम एंड द सपोर्ट विच वी आर लुकिंग एट इज दिस। दिस इज द सपोर्ट। तो सिंपल है, अगर इफ यू आर लुकिंग फॉर बायस, इट शुडन गो बिलो दिस। मतलब 1900 का अगर उसने लेवल तोड़ा तो इट इज द गोल्ड इज कम्प्लीटली बेरिश, तब तक मैं बुलिश रहूंगा। मैंने कल रील मतलब मैंने रील भी डाला था, मैंने बोला था कम्प्लीटली बुलिश है। तो ये टेक्निकल लैंग्वेज को मैंने देखते हुए बोला था आपको दिखाने के लिए, मैं अच्छे से लगाता हूँ ऐसा आपको दिखाने के लिए। मतलब इतना कैलकुलेट किया फिर मैंने बोला है कि इट्स बुलिश, ऐसा मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया या फिर मैंने अपना तुक्का नहीं मारा है। काफ़ी लोगों को समझा ही नहीं कि मैं बुलिश क्यों बोल रहा हूँ, कब बोल रहा हूँ, अगर मेरा लॉन्ग पोजिशन है तो मेरा स्टॉप लॉस कितना रहेगा एंड एवरीथिंग। बिग ट्रेंड ऑफ बुलिश ऑन द वे आई थिंक सो, यस। सो दिस आर द कैलकुलेट। लेकिन ये भी चीज़ मैं आपको बता दूँ, सो आई थोड़ा इसको थोड़ा मैं ये कर देता हूँ साइड में। बाल सुबह तक तो बहुत अच्छा रहता है, यूट्यूब लाइव करने के टाइम बहुत खराब हो जाता है, पता नहीं क्यों यूट्यूब लाइव के टाइम ही ऐसा होता है। ठीक है, सो दिस इज द एनालिसिस जिसको मैं देख रहा हूँ अभी। कमिंग बैक टू द H1 टाइम फ्रेम, H1 टाइम फ्रेम ये सब आपको पता है। देखो एक्चुअल ट्रेड लाइन किधर है एंड एवरीथिंग, इसमें बहुत डिस्टेंस है। ट्रेड लाइन मार्केट टच करेगा कि नहीं करेगा, एवरीथिंग जो भी हम लोग को पता है हम लोग ने किया है। सो ये टच करने का, टच कर भी करेगा, 1924 को टच करके ऊपर जा सकता है। कैब ब्रो यूज, कैब नहीं करूँगा, कैब मैं तब यूज़ करता हूँ जब मैं बाल काटता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट कम्फर्टेबल विथ हेयर कट। तो दिस इज़ द एनालिसिस जो मैं उल्टी तरफ से भी जो ट्रेड लाइन आ रही है वो भी है, यही है। सो यू कैन ऑल्सो कनेक्ट दिस डॉट्स, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आता रहेगा कि कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एवरीथिंग। तो H1 हैज़, H4 हैज़ क्लोज बुलिस्ट, H1 ने बुलिश मोमेंटम रिट्रेसमेंट दिया है। अभी अभी मैं क्या करूँगा, 30 मिनट्स पे अगर ये इसका हाई ब्रेक करूँगा आई विल डेफिनेटली ट्रेड द मोमेंटम। जैसे ये क्लोजिंग होगा 5 बजे, देखो अच्छे से सुनो, 5 बजे जैसे क्लोजिंग होगा, दिस इज़ द रेजिस्टेंस जो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। तो इसका हाई जैसे ही ब्रेक करेगा आई विल डेफिनेटली ट्रेड, क्योंकि H1 ने बुलिश मोमेंटम दिया है, H4 ने बुलिश दिया है, 30 मिनट्स में रिट्रेसमेंट एंड ऑल हैज़ हैपेंड। 15 मिनट्स तो एंट्री के लिए देखता हूँ मैं, ऐसा कुछ खास नहीं। तो एज सून एज, तो कमिंग बैक टू दिस, जैसे ही वो 30 मिनट्स का रेंज हाई ब्रेक करेगा आई विल एंटर द ट्रेड। नाउ जितना मैंने एनालिसिस मेरे को आता है मैंने किया है, आई होप कि आपको समझ में आ भी गया रहेगा एंड किस वजह से मैंने बाय बोला था एंड किस वजह से मैं बाय में हूँ, कितना नॉलेज मैं यूज़ करता हूँ, इलियट वेव के बारे में मैं कैसे बात किया हूँ, मैंने ट्रेड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, 30 मिनट्स, H4, H1, डेली, ये सारी चीज़ मैंने आपको लाइव बताया है जो काफ़ी काफ़ी लोग नहीं बताते। मतलब कोई प्राइस एक्शन यूज़ करता रहेगा, दैट्स इट। इलियट वेव कैलकुलेशन किसको क्या रहता है, होने के बाद सब बता देता है, ये सब चीज़ मैंने देखा है। बट ऐसे लाइव लाइव चार्ट एनालिसिस मेरे हिसाब से कोई नहीं करता। नॉर्मल प्राइस एक्शन हर कोई करता है मेरे हिसाब से। तो अगर 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 आपको ये सारा एनालिसिस, अगर जिन लोग लेट ज्वाइन इन हुआ है आप थोड़ा पीछे जाके देख लो कि मैंने कैसे सिखाया है, कैसे यूज़ किया है। अगर आपको ये सारे एनालिसिस थोड़ा भी अच्छा लगे या फिर आपको एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लगा, आज आपको कुछ नया सीखने मिला, तो प्लीज़ डू लाइक। सब्सक्राइब तो आपने किया ही रहेगा 100%, मेरे को पता है कि सब्सक्राइब का प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ़ यू लाइक द वीडियो मेरे को बूस्ट मिलता है और काफ़ी लोगों तक पहुंचता है। तो अपना कम्युनिटी जितना बढ़ेगा उतना अच्छा है। तो अगर आप सिर्फ एक लाइक बटन दबाओगे तो इट्स अ बूस्ट फॉर द वीडियो एंड ऑल्सो फॉर आर कम्युनिटी। अभी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो यू कैन आस्क मी,
बट द टारगेट टारगेट इज 50 लाइक्स। मतलब मैं 50 लाइक्स के ऊपर मैं देखता भी नहीं हूँ कि मेरे को लाइक्स आ रहे नहीं आ रहे। सो अगर आप 65 वॉचिंग हो, 50 वॉचिंग हो, यू कैन ईजीली मेक इट टू 50 लाइक्स। एंड अगर कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। मुझे पर इलियट वेव थियरी नहीं मालूम, पर ट्रेडलाइन के सारे कंसेप्ट मालूम है विद प्राइस एक्शन। इंडियन एक्सप्रेस, वेरी गुड। न्यूज़ में भी अगर न्यूज़ है तो आई यूज़ बाई स्टॉप्स एंड सेल स्टॉप्स। लेट्स सी कि न्यूज़ का क्या सीन है। तो टुडे इज 3rd of August, करेक्ट? दिस इज 3rd। तो CPI 12 बजे था। USD अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, जो इतना कुछ हाई इम्पैक्ट नहीं रहता है गाइस, ये रहता है थोड़ा, लेकिन इतना इतना हाई इम्पैक्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो, उतना हाई इम्पैक्ट नहीं है। प्राइस एक्शन के हिसाब से टेक्निकल इट विल गो अप आई थिंक, यस। मेरे हिसाब से भी प्राइस एक्शन टारगेट क्या रहेगा। टारगेट, गुड क्वेश्चन अगेन। काफ़ी सारे लोग अच्छे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। यहाँ पे भी मैग्नेट चालू है। हाँ, सो दिस दिस इज़ द टारगेट जो मैं देख रहा हूँ। अगर 15 मिनट्स का भी क्लोजिंग आया, आई शुड हैव एंटर्ड एट 15 मिनट्स यहाँ पे, लेकिन आई विल फॉलो 30 मिनट्स नाउ। अभी के लिए तो 30 मिनट्स फॉलो करूँगा। ऑल्सो मेरे दो अकाउंट है, एक अकाउंट में पास कर रहा हूँ चैलेंज, एक अकाउंट में सेकेंड फेज में हूँ, एक अकाउंट खुद का अकाउंट है। तो मैंने ये नोटिस किया कि खुद का अकाउंट मैंने थोड़ा कम किया ट्रेड, क्योंकि मेरा फोकस उस पर ही रहता है। फिर मेरे को अकाउंट चैलेंज पास करना है तो मैंने वो अकाउंट बंद किया है। नाउ आई एम लुकिंग फॉर द, सिर्फ $3,000 और भी हो जाएगा ना अगर मेरा, तो मैं पास हो जाऊंगा। तो लेट्स सी क्या होता है। दादा forex.com एंड ओनरडा मुझा H4 एंड टाइम इज डिफरेंट भाई। सो बिकॉज ओनरडा पे आप ध्यान ही मत दो, आप forex.com पे ध्यान दो। टाइमिंग क्यों डिफरेंस है वो सब सोचो मत। विच फॉर्म एंड ऑल, आपको अगर फॉर्म देखना है तो मैंने एक यूट्यूब वीडियो पे डाला है ऑलरेडी, आप यूट्यूब पे जाके देख सकते हो कौन सा फॉर्म। बट कैसा है, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा जब तक मेरे को पे आउट नहीं आता 100K क्या था का तुमसे। यस, 100K सर, 100K इज मोर देन इनफ। ठीक है, पास हो जाऊंगा मैं, समझा नहीं सर। फर्स्ट फेज इज क्लियर, जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला भी है। सेकेंड फेज में आई एम 2,000 अगर और कमाऊंगा तो मेरा सेकेंड फेज भी क्लियर होगा। तो आई हैव अ लाइव अकाउंट, एक खुद का अकाउंट है, एक लाइव अकाउंट फंडेड है, और एक अकाउंट है जिसको मैं पास कर रहा हूँ। सर कितना टाइम लगा फेस वन करने में? मेरे को बहुत कम टाइम लगा था, विच इज़ 15 डेज में हो गया था, लेकिन सेकेंड फेज थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था एंड इतना कुछ खास ट्रेड भी नहीं मिला मेरे को। इवन इफ मैं वापस इस एंट्री पे आता तो मैं सोच भी सकता हूँ ट्रेड लेने का। लेट्स सी 30, वो भी जो भी है क्लोजिंग पे करेंगे। चंद्रन H4 चार्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, चंद्रा पूछ रहे इन H4 चार्ट रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, क्या वो समझा नहीं चंद्रा। डिड यू गेट विड्रॉल फ्रॉम, एक जो मेरा ब्रोकर है उसका प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी जो नया फॉर्म है जिसको मैं प्रमोट कर सकता हूँ, आई विल टेल यू गाइस कि वो प्रमोट कब करूँगा कब नहीं कर सकता हूँ, जब मेरा पे आउट आता है। SMC यूजफुल है? बिल्कुल नहीं। थर्ड क्लास कार्तिक, थर्ड क्लास। रिस्क पर ट्रेड 1%, जो भी ट्रेड रिस्क रहता है 1%, 1.5% ऐसा है, उससे ज़्यादा नहीं। मेरा एक रील है कि
जो थोड़ा यूट्यूब पे चल रहा है अभी, वो रील में ये है कि हाउ डज अ बिगनर रिएक्ट एंड हाउ डज अ प्रोफेशनल ट्रेडर रिएक्ट टू लॉसेस। तो लॉस जब एक इंट्राडे बिगनर को होता है, इतना जोर से आवाज़ आया, समवन है सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच, बट जो एक लॉस जब एक बिगनर को होता है तो वो लैपटॉप तोड़ देता है, वो फाड़ देता है, सब कुछ चीज़ें करता है वो। और जब एक प्रोफेशनल ट्रेडर को लॉस होता है, वो कामली कॉफ़ी पी रहा है, आपने देखा ही रहेगा वो पूरा टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला? नहीं, यू आर रॉन्ग। आपने वो रील या फिर शॉर्ट्स जो मैंने यूट्यूब पे डाला वो देखा ही रहेगा। तो उसमें एक जन ने मेरे को क्वेश्चन कमेंट किया आज कि व्हेन यू लूज़ $15,000 तभी भी आपका यही रिएक्शन रहेगा, ऐसा मेरे को किसी ने पूछा था, विच इज़ वेरी बेसलेस। मैं आपको बताऊँ, वंस जैसे आप ट्रेड करते हो, अगर आपका 1% या फिर 1.5 2% का रिस्क है, तो एट अ पॉइंट एक ही दिन में आप $50,000 का नुकसान नहीं कर सकते हो। एट सम पॉइंट योर ट्रेडिंग विल शो योर रिजल्ट्स। मतलब अगर आप ट्रेडर अच्छे हो तो आपके 10 में से 3 ट्रेड गलत हो सकते हैं, ना कि 60 ट्रेड गलत हो सकते हैं। आई सी यू एवरी रील सर शक्ति सिंह, थैंक यू सो मच। हो सकेगा तो शेयर भी किया करो, थैंक यू। जी भी प्ले करना रहा इसका, तू अब वक्त तो था, विचार करो तो हैक सेवन। सर आपने ओवरऑल होल्ड किया है ट्रेड? इफ यस देन आफ्टर एडवांस सेशन स्प्रेड इंक्रीज, सो SL हिट हो जाता है। मैंने ओवरनाइट ट्रेड कभी होल्ड किया है कि नहीं, मतलब बहुत बचपन में किया है, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था फॉरेक्स में ट्रेड करना, तभी मैंने ट्रेड पैसे ओवरनाइट किया है। बट अभी 1.5 साल 2 साल में तो मैंने होल्ड ओवरनाइट नहीं किया। और NY सेशन में स्प्रेड इंक्रीज हो तो SL हिट हो जाता है, यस डेफिनेटली होता है, वो तो आप नया ट्रेड लोगे तो भी हिट हो जाता है। तो 15 मिनट्स कैंडल्स आर सेइंग मी आई एम बेरिश, ऐसा कुछ डू नॉट फॉलो 15 मिनट्स। 15 मिनट्स को फॉलो करो ओनली फॉर योर एंट्री पर्पस। अब 30 मिनट्स को फॉलो करो टू एनालाइज द मार्केट। अभी H1 बुलिश है, H4 बुलिश है, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट 15 मिनट्स ना डूड। आपको मैं यहाँ पे बाय भी कर सकता हूँ। किधर गया है, क्या अकाउंट हिस्ट्री क्या चल रही है? 35 तो कमाया, 61 फिर भी माइनस, पेपर ट्रेड में कुछ भी हो जाता है। चलो देखते हैं क्या होता है। 30 मिनट्स तो 5 बज गया, 5 बजने को अभी कैंडल क्लोज हुआ, इट्स ऑल्सो बुलिश। सो लुक एट दिस मैटर, H1 तो 5:30 को बंद होगा, H4 H1 30 मिनट्स। सो अच्छा ओनाडा देख रहा था हम लोग, H4 इज बेरिश, यू कैन सी H4 ने अब तो क्लोजिंग दिया नहीं है, 5:30 को देगा, करेक्ट? तो लेट मी चेक, 3:30। हाँ तो हम लोग को ओनाडा ने अपने को forex.com देखना है। सो H5:30 का जो डिसाइडिंग रहे, और एल्स अगर आप इस चीज़ में बिलीव नहीं रखते हो अर्ली एंट्री है, तो मैं अर्ली एंट्री का देख रहा हूँ। वेन एवर मार्केट ब्रेक्स दिस लेवल 39, तब मैं एंटर करूँगा टिल माई नेक्स्ट 1952। 1952 तक हम लोग ट्रेड करेंगे। वाई डेंट यू ट्रेड इन इंडिया? मैं करता हूँ ट्रेड, कोई कौन बोला नहीं करता, छोटा मोटा चालू रहता है। आज आज ही का देखना है तो आप देख सकते हो। तो ये इधर खर्चा पानी थोड़ा नहीं, फ्यूचर्स करता हूँ मैं, करने का रहेगा तभी, थोड़ा खर्चा छोटा मोटा होल्डिंग्स होल्डिंग्स भी अच्छे हैं इधर, यहाँ पे आप देख सकते हो PNL एंड एवरीथिंग। अभी मैंने एग्जिट किया, मतलब जब टॉप पे था ना मार्केट, मैंने एटलीस्ट 8 8 to 9 लैक्स मैंने एग्जिट किया है,
तो ये तो प्रॉफिट्स है सिर्फ, मतलब जो रहता है ना कि प्रॉफिट बनाने के बाद आप इन्वेस्ट करते हो, तो दीज आर द प्रॉफिट्स। तो कोई भी आपको पीएनएल भी नहीं बताएगा गाइस। तो अभी तक 62,000 मैंने बुक भी नहीं किया। ये जो स्टॉक है मेरा जो अच्छा चल रहा है, 33 पे मैंने लिया था, हाल फिलहाल में लिया था 33 पे, अभी 44 हो गया। तो 35% ग्रोथ इन जस्ट 20 डेज। तो आप देख सकते हो, सो वी आर वेटिंग फॉर दिस टू ब्रेक, फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि वॉट आई हैव टू डू। बट जो भी देखूंगा 30 मिनट्स पे देखूंगा। सो ये विक बड़ा है ना, तो मैं यहाँ पे अब तक एंट्री कर सकता था। यस 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 करेक्ट। व्यूज ऑन MFF इट्स गुड, बट मेरे को पता नहीं, मैंने MFF का थोड़ा स्प्रेड ज़्यादा है। ऑप्शंस नहीं करता मैं, करता हूँ तो बहुत कम करता हूँ, बट नहीं करता। इफ़ यू हैव प्रॉप फर्म, इफ़ यू हैव बिग पर्सनल फंड्स, आप इजी है उसको एडजस्ट करने के लिए। लेकिन जब आपके पास फंड्स ही नहीं है, बट यू हैव द नॉलेज, यू हैव द टेक्निकल नॉलेज, तो प्रॉप फर्म प्रॉफिटेबल मतलब कन्वीनियंट है। सर आप फॉरेक्स इंडियन मार्केट साथ में मैनेज कैसे करते हो? क्या मैनेज करना है, दो स्क्रीन है यहाँ पे, बड़ा स्क्रीन है, सब मैनेज हो जाता है दोस्त साथ में। जब वैन यू आर जीजे एनालिसिस, सुन सुन हैक चावन थाम जरा, आई एम लुकिंग फॉर द ट्रेड। जीबीबी JPY का कुछ नहीं है, ये भी एक रेंज में ही है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट है। एक्चुअली देखो ना, यहाँ पे इट इट वॉज अ बेस्ट ट्रेड, लेकिन मैं सच बताऊँ मैंने आज तक जीजे में इतना प्रॉफिट विफिट कमाया नहीं है। सो आई डोंट सो वी हैड अ रेजिस्टेंस, सॉरी वी हैड अ रेजिस्टेंस एट दिस पॉइंट, रेड कैंडल, फिर उसके बाद नीचे। अभी लेट्स वेट फॉर द ग्रीन कैंडल, ग्रीन फॉर कॉन्फर्मेशन, तो उसके बाद हम लोग ले सकते। कुणाल है स्वप्निल भाई, मैं जब भी फॉरेक्स में ट्रेड करता रहता हूँ, मेरे डायरेक्शन सही होता है, बट ऑलमोस्ट मेरा मेरे टारगेट्स हिट होते हैं, बट मोस्टली प्रॉब्लम ये एक हो जाती है कि मैं लिक्विडिटी ग्रैप में आ जाता हूँ। सो डू नॉट ट्रेड द रेंज, रेंज में आप ट्रेड करोगे तो ऐसे ही होगा। सर मेरे पास टेक्निकल का नॉलेज और फंड्स नहीं है, तो प्लीज़ सजेस्ट सून सून आई विल सजेस्ट। मैं अभी सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, सून आई विल सजेस्ट। स्टिल मेरे 50 लाइक्स हुए नहीं है, तो मैं आपसे कुछ क्या सुपर चैट है ना वो यूट्यूब पे, सुपर चैट नहीं मांग रहा हूँ मैं आपसे, मेरा कोर्स लो, कोर्स लो वो नहीं बोल रहा हूँ। आई एम जस्ट आस्किंग फॉर द लाइक्स। आई होप यू आर ड्राइविंग, आप क्या कर रहे हो, फ़ोन घर पे बैठे हो, जॉब पे आप ईयरफोन्स लगा के सुन रहे हो। इट इट टेक्स ओनली 1 मिनट टू लाइक द वीडियो। ना मैं अपना कोर्स को प्रमोट कर रहा हूँ, ना मैं अपने आप लोग को सुपर चैट मांग रहा हूँ, ना मैंने ये स्पेशल सब्सक्रिप्शन चालू किया है। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू लाइक द स्ट्रीम और मेक इट टू 50 लाइक्स, दैट्स इट। हेलो, हाँ मैम,
50 लाइक्स डन। जॉब पर ईयरफोन्स लगा के सुन रहा हूँ और वेट कर रहा हूँ कि अपसाइड मूव का। अच्छा सर, वीडियो एंटर और क्लोजिंग ऑफ 15 मिनट 30 मिनट विच एवर, मेरे को 15 मिनट्स प्रिफरेबल है, लेकिन अगर 30 5:30 का दे, 5:30 मतलब क्या होता है, इट्स अ मिक्स ऑफ बोथ, सो 5:30 को हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग को एंटर करना है कि नहीं करना। अभी मैं एंटर करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस भी छोटा है, सो लेट्स सी लेट्स सी। इट डजन इवन टेक 1 मिनट, जस्ट टेक 1 सेकेंड टू लाइक। यस करेक्ट। नार्कोस का किसी ने सवाल पूछा था, वो इंटरेस्टिंग था। व्हाट्स योर फेवरेट कैरेक्टर इन नार्कोस? वाह, आपको पता चला कि मेरा नार्कोस का ट्यून ट्यून है। वेरी गुड। इफ़ यू आर गेटिंग ओवरऑल लॉस लिमिट ऑनली ऑन 10% ऑफ अकाउंट, सपोज यू हैव अ 50K अकाउंट, देन यू आर गेटिंग ऑन 50 फाइनल 5,000 का 10% जो भी ओवरऑल ड्रॉडाउन इज, कितना परसेंट रहता है ओवरऑल ड्रॉडाउन? मेरे हिसाब से 10% रहता है, और जो डेली लॉस है वो 5% रहता है ना, मेरे को याद नहीं है, लेट मी सी। तो डेली का लॉस इज़ इम्पॉर्टेंट, डेली आप कितना लॉस कर रहे हो, तो 1% आप टारगेट रखो और आप बना सकते हो। सो यू आर 10% ऑन एक्चुअल, व्हाट डू यू थिंक? फिफ्टी के का अकाउंट है ना अगर आपका, तो मेरे हिसाब से 5 टक का उसका डेली लॉस लिमिट है, डेली लॉस। रघु ने विंटर किया ऑलरेडी, वेरी गुड रघु। तो डेली लॉस का लिमिट उसका 5% है, और आपका ओवरऑल लॉस विल भी 10%, ऐसा कुछ तो रहेगा मेरे हिसाब से, एंड द टारगेट विल भी ऑल्सो 10%। मैं अगर अभी एंटर करूँगा 5 लॉट से, तो मेरा स्टॉप लॉस इज 33। मैं $1,500 का रिस्क नहीं ले सकता फिलहाल, तो आई विल वेट फॉर द करेंट मूव। रघु आप $900 का लॉस ले सकते हो, तो 34 पे एंटर किया तो ठीक है आपका बराबर, मे बी आपने 15 मिनट्स पे एंटर किया रहेगा। दिस 34.43, वेल प्लेड। लेट्स सी क्या होता है, बिकॉज उसको बूस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। सर ये डेमो कर रहे हो या फिर रियल अकाउंट? दिस इज पेपर ट्रेडिंग, ये ट्रेडिंग व्यू में इजीली अवेलेबल है, तो अपना अकाउंट अलग है। सर मैं गोल्ड में जब रेंज ड्रॉ करता हूँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी रेंज बन जाती है, बहुत सारे सपोर्ट। नहीं, दिस इज़ द परफेक्ट रेंज, जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखो। अब आप 100 चीज़ें करते रहोगे, लेकिन ये जो मैं सिखा रहा हूँ वो सीखो अच्छे से। सर उससे बचने के लिए टिप्स दे दो, ताकि SL हिट हो जाए तो गलतियों का SL आपका लगाओ मत। तो ओनली टिप मैं आपको दे सकता हूँ इस, कि जो भी आप SL या फिर जो भी आप बात कर रहे हो, आप SL लगाओ मत, SL को आप माइंड में रखो। जैसे उस जगह पे SL आएगा, उस जगह पे मार्केट आएगा, यू हैव टू एग्जिट द ट्रेड, तो ये चीज़ दिमाग में रखो। फंडेड अकाउंट का पे आउट कब से आता है? सर पे आउट आपको, देखो मेरा पे आउट आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, मेरा अब तक तो पे आउट आया नहीं, मैं सेकेंड फेज पे हूँ, बोला ना मैं। या दादा आपल्यात फक्त 5K ॲक्च्युअल अमाऊंट मिळणार ना, पण आपण 50K अकाउंट घेतलं तर 1% रिस्क घेतली तर ते ॲक्च्युअल 10% आहे ॲक्च्युअली फंड्स। नाही ऐसा नहीं रहता है, अगर आप 50K का ले रहे हो फंड्स, मतलब $50,000 ले रहे हो, और उन लोग ने आपको अलाउ कितना किया है, 5%, विच इज़ $2,500। 2,500 के आप ऊपर नहीं जा सकते, मतलब 2,501 भी हुआ तो दे विल टेक डाउन, मतलब पूरे दिन में आपको सिर्फ 2,500 तक ही लॉस कर सकते हो, विच इज़ 5%। और ओवरऑल मतलब ओवरऑल आप 45,000 के नीचे नहीं जा सकते हो, ऐसा है। बहुत झुमका
थैंक यू फॉर लाइकिंग द वीडियो, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। लाइव सेशन में आप लोग के साथ बहुत मज़ा आता है मेरे को। मैं खुद भी एनालिसिस बहुत अच्छे से करता हूँ जब मैं आपको लाइव करता हूँ, क्योंकि मेरे पे डिपेंड हो कि आप लोग भी ट्रेड लोगे तो मेरा थोड़ा डिफरेंट मोड चालू हो जाता है। तो मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे को ट्रेड कब लेना है। अगर मेरा ये प्रेडिक्शंस करेक्ट होता है तो भी आप लोग भी देख सकते हो कि मेरा प्रेडिक्शन बराबर है। उसमें अनरियलाइज लॉस भी काउंट होता है ना? यस यस, फॉर एग्जाम्पल अनरियलाइज, देखो बाकी लोग को नहीं समझेगा, अब ये ऐसा समझो अनरियलाइज भी चालू होगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल 50 हज़ार डॉलर है। एग्जैक्ट पंच करूँ ऑर्डर हैक 7, हाँ बगू था। तो मेरे हिसाब से अगर 50,000 डॉलर्स है, अगर आप अपने अकाउंट पे वॉट एवर इट इज़ 2501 भी करते हो, 2503 भी करते हो, अनरियलाइज रियलाइज, तो भी यू विल लूज द अकाउंट। 1 लाख का जो है वो परफेक्ट है, वो करो, वो मज़ा आता है। DXY is going down. देखो ये ऊपर है तो गोल्ड नीचे आएगा, जाहिर सी बात है। आई होप कि आप लोग को भी समझेगा सर। फिर इसमें क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी। यस यस, न्यूज़ पे कैसे ट्रेड करते हो आप, एक वीडियो बना दो इस। यस श्योर यादव, श्योरली मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। ऐसी लाइव सेशन हम लोग करते रहेंगे। अगर आपको फंडेड के बारे में आपको जो भी जानना है, आप क्या करो मेरे हिसाब से, आप मेरा यूट्यूब पे जाओ, टॉक सी द फंडेड अकाउंट, क्या क्या होता है, व्हाट इज़ फंडेड अकाउंट एंड एवरीथिंग, आप देखो बात करो, आपको अच्छा लगेगा। एंड ऑल्सो द ट्रेड इज़ ऑन, मैं आपको बता दूंगा। अगर मैं रियल अकाउंट में देखूंगा तो इसके अबाउट ट्रेड करूंगा, ठीक है, या फिर आई विल लुक कि मेरे को यहाँ पे एंट्री मिल रहा है कि नहीं। अच्छा एंट्री मिलेगा तो ही मैं ट्रेड कर सकता हूँ, वरना मैं ट्रेड नहीं कर सकता। तो लेट्स सी क्या होता है, स्लीपेज कम करने के लिए क्या करें। एनवाई सेशन न्यूज़ ये सब में स्लीपेज न्यूज़ में ही होता है, और न्यूज़ में इट्स द पार्ट ऑफ द गेम। स्लीपेज कम नहीं हो सकता, वो मार्केट के ऊपर रहता है। अगर आपको फंडेड अकाउंट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मेरा वीडियो देखो, यूट्यूब पे सारी चीज़ है मेरे, आप प्लेलिस्ट में जाओ, वीडियोस में जाओ, आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे। एंड ऑल्सो क्लोजिंग मिला 1939 पे, अगर मेरे को क्लोजिंग मिला तो ही मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को बाय जाना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। हम लोग फिर एवरी वीक हम लोग लाइव करेंगे, मोस्टली वेनसडे थर्सडे, जब भी टाइम मिलेगा मैं लाइव करूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिला है, यू लाइक द वीडियोस, आपको कुछ एजुकेशन मिला है, आपको वे मिला है कि अगर आपका ट्रेड अटका है या फिर कुछ हुआ है तो आप किस डायरेक्शन में जाओगे, स्टॉप लॉस विल बी बिलो दिस, तो ये चीज़ भी आप समझ लो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ट्रेड करो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, ठीक है, अनटिल देन लव यू ऑल, चलो बाय 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 एवरीवन। एन एफ भी हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है, बाय एवरीवन, बाय, चलो सिया, शक्ति, हृदय, हैक सावंत, राज, चलो बाय बाय एवरीवन।